मी बात की अब्बू से। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि नीलो से पूछ लो कि उसको सिलाई वगैरह आती। क्यों क्यों पूछे? क्यों, बाप की तरह बेटे की उम्र भर की कमाई का बंदोबस्त नहीं करना? वाह, जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, और आप अपनी कमाई जताने का। फिकर ना करें, कर रहा हूँ बंदोबस्त, हो जाएगा कुछ ना कुछ, बस रिश्ते की बात कर लीजिएगा। वैसे रश्क आता है मुझे इस नीलो पर, पैदा करने वाली की मोहब्बत को हरा दिया इस लड़की। कैसे? मैंने तुम्हें डांट के, प्यार से, मिन्नत करके, हर तरीके से समझा लिया शहजाद कि तुम काम कर लो, लेकिन तुमने काम ना करके दिया। हसरत रह गई मेरे दिल में कि मैं भी अपने बेटे की कमाई पर गुरूर करूं, लेकिन नहीं, उस लड़की की मोहब्बत में कैसा काम का जुनून सवार हुआ है भाई, हद है। मैं तो कहती हूँ कि गोल्ड मेडल मिलना चाहिए उस लड़की को। अरे आपको भी उसकी तारीफ का ख्याल आ गया? तारीफ? सिर्फ तारीफ? बेटे मैं तो सोच रही हूँ कि उसका सदका उतारूं। तो चलते हैं उसके घर रिश्ता लेने के लिए। साइमा मोहसिन से और अपनी सास से बात कर ले, उसके बाद देखेंगे। अरे भाई साइमा को नहीं इन्वॉल्व करे ना, वो मामले को खराब करेगी। साइमा तुम्हारी बहन है, वो मामले को संवारेगी। और इस बीच में अगर तुम्हारी नौकरी हो जाती है तो अच्छा है ना, मेरी बात पे कुछ वजन भी आ जाएगा। जा रहा हूँ नौकरी के लिए, दुआ करिएगा मिल जाए। अब मिल जाएगी इंशाल्लाह, इस दफा तुम्हारी लगन सच्ची है ना।